अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। धनगर समाज को एसटी प्रवर्ग के लिए आरक्षण अमल बजावनी करने के लिए चोंडी में अमर अनशन जारी किया गया है। उसी को समर्थन दर्शाते हुए गंगाखेड़ में आज तारीख 20 सितंबर 2023 बुधवार के रोज सकल धनगर समाज की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया और धनगढ़ और धनगर एक ही रहते हुए राज्य शासन की ओर से इसमें अनुसूचित जमाती एसटी प्रवर्ग के लिए समावेश करे इस पत्र को केंद्र सरकार को भेजा गया है। 6 सितंबर से चोंडी में एसटी प्रवर्ग के आरक्षण अमल बजाने के लिए इस मांग को लेकर अमर अनशन किया गया है। इस अमर अनशन के लिए सुरेश बनकर, अप्पा साहेब, रूपनर, इन अनशनकर्ताओं को आंदोलन को राज्य शासन की ओर से अब तक कोई दखल नहीं लेने के कारण अनशनकर्ताओं की दखल ली जाए इस बात को लेकर आंदोलन का समर्थन करते हुए गंगाखेड़ में महाराणा प्रताप चौक के सामने रास्ता रोको किया गया। आंदोलन के दौरान तहसीलदार प्रदीप शेलार और पीआई कुंदन कुमार वाघमारे, इन्हें निवेदन दिया गया। इस आंदोलन में धनगर समाज के सभी पक्ष के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक नागरिक सकल धनगर समाज बड़ी संख्या में इस रास्ता रोको आंदोलन में शामिल होते नजर आए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी रेलवे स्टेशन पर सूचना बोर्ड पर लगाए हुए गाड़ी के आने वाली सूचनाओं पर औरंगाबाद के बजाय छत्रपति संभाजी नगर और उसी तरह उस्मानाबाद के बजाय धाराशिव ऐसे नाम लिखकर सूचना फलक लगाए जाए, ऐसी मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से परभणी स्टेशन प्रबंधक और यहां के जिला कलेक्टर को देकर की गई है। इस निवेदन में बताया गया है कि महाराष्ट्र स्टेशन की ओर से राजपत्रक के तहत ये बदल हुआ है, इसलिए आप भी इस स्टेशन पर बदल करें, ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए गए निवेदन पर विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे, महानगर अध्यक्ष राजेश देशमुख, मुंजाजी गोरे, दीपक शिंदे, ऋषिकेश सावंत, संजय कुलकर्णी, विजय गायकवाड़ आदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। काल 16 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे कॅबिनेट झाली आणि राज्य सरकारनं छत्रपती संभाजीनगर हे नामांतरणाचा जीआर आणि धाराशिव जिल्ह्याचा देखील नामांतरणाचा जीआर या ठिकाणी त्या कॅबिनेटमध्ये काढलेला आहे। त्या अनुषंगानं आज भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभेचे प्रमुख आनंदभाऊ भरोसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन दिलं आणि सांगितलं की बाबा जे काही पीडब्ल्यूडीकडनं पाट्या लावलेल्या आहेत त्याच्यावर आणखी देखील औरंगाबाद असं नामोल्लेख आहे तर तो नामोल्लेख तात्काळ मिटवावा आणि छत्रपती संभाजीनगर असा नामोल्लेख करावा, उस्मानाबादच्या ठिकाणी धाराशिव असा नामोल्लेख करावा, अशा प्रकारचं निवेदन या ठिकाणी आनंद भाऊच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टी परभणी महानगरने दिलेले। धन्यवाद। परभणी ट्रैफिक पुलिस की ओर से परभणी शहर में हो रहे गणपति बाप्पा के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक ना रुके इस बात को लेकर हर बारी को ध्यान रखते हुए चौकन्ना रह रही है पुलिस प्रशासन। इसके बावजूद आज हम देखते हैं नारायण चाल पर आज तारीख 20 सितंबर 2023 बुधवार के रोज ट्रिपल सीट जाकर जाते हुए यहाँ का कर्तव्य दक्ष निभा रहे ड्यूटी पर पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक के डी के पौड़ और उनके साथ पीएसआई जुगते, इनके साथ ट्रिपल सीट जाने वाले गाड़ी पर जब उन्होंने फाइन लगाया तो ट्रिपल सीट वालों ने उनके साथ हुज्जत करते हुए हाथापाई करने की कोशिश की। ये हमारे पुलिस प्रशासक हमें अवगत कराते हैं कि हम ट्रिपल सीट या फिर मोबाइल पर फ़ोन पर बात करने के बाद जिस तरीके से शासन ने हम पर दंडात्मक कार्रवाई करने के जो जुर्माना लगाया है वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जब फोटो खींची जाती है तो उसका जुर्माना भरना ज़रूरी हो जाता है। इस बात को लेकर उन्होंने ये बात अवगत कराने पर उस लोगों ने ट्रिपल सीट वालों ने यही पुलिस कांस्टेबल और पीएसआई के साथ हुज्जत करने से पुलिस प्रशासन में एक उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। दरमियान इस बात को लेकर यहाँ पर पीएसआई पठान और पीएसआई जुगते और पीएसआई शफीउद्दीन खाजी, पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक के डी के पौड़ अनिल राठौड़, अमजद पठान की टीम ने आकर घटनास्थल का जायजा लिया। दरमियान तब तक ट्रिपल सीट वाले ये गाड़ी लेकर चला गए थे। दरमियान आज हुए इस घटना से पुलिस प्रशासन के उन कर्मचारियों पर, कर्तव्यदक्ष कर्मचारियों पर उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। एक और ट्रैफिक के लिए हमें अपने नियमों का पालन करना ज़रूरी है और उन पालन करते समय जब पुलिस प्रशासक और कर्मचारी तैनात रहते हैं ड्यूटी पर, वो हम पर जब कार्रवाई करते हैं तो उस पर हम उन पर हाथापाई करना ये कहाँ तक उचित है, ये इस बात पर लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। 2 अक्टूबर 2023 के रोज परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर बड़े पैमाने पर ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर, परभनी की ओर से ओबीसी समाज के रुके हुए मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज तारीख 20 सितंबर 2023 बुधवार के रोज लिए गए बैठक में कही गई है। पिछले कई दिनों से आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समाज में कई संभ्रम निर्माण हुए हैं। उसके लिए ओबीसी की आरक्षण अवधित रहने के लिए और जिस तरह से थी आरक्षण उस तरह से आरक्षण रहने के लिए जात न्याय जनगणना करने की जाए। इसके अलावा कई रुके हुए मांगों को लेकर 2 अक्टूबर के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर आंदोलन किया जा रहा है। इस समय लिए गए बैठक में परभनी जिले के सभी ओबीसी संगठक पदाधिकारी ओबीसी बड़े पैमाने पर मौजूद थे। लहान मायक्रो समाज आहे ते 50% आरक्षण घेऊन तिथं राहणार आहे, ते धोकं त्यांचं आहे। आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला आपणच लढण्यासाठी आपण रस्त्यावर आलं पाहिजे। कालच्यावाला एका जरंगे पाठल्यानं तिथे हिचे काम ते कोणी कधी भरून घ्यायची आता एक ते शरद पवारचा माणूस त्याला अजिबात वेळ नाही। उपोषण ज्यावेळेला सुरू झालं, लाठी ज्या झाल्या त्या दुसऱ्याच वेळेला त्याला पवार सरकार ठिकाणी आले। आणि महाराष्ट्रात जर पवार सर जर पुरंदर माणूस त्या ठिकाणी येतो तर बाकी परभणी शहर के प्रमुख रास्तों को तुरंत नूतनीकरण किया जाए, इस मांग को लेकर स्वराज्य सत्याग्रह अमरण अनशन स्वराज इंडिया पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंदगिरी इन्होंने 17 सितंबर 2023 मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अवसर पर परभणी के अनशन मैदान पर अपना अमरण अनशन जारी किया है। आज उनके 3 दिन हो चुके हैं लेकिन जिला प्रशासन उनकी ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और महानगर पालिका ये दोनों भी परभणी शहर वासियों के शरीर से खेलते हुए खिलवाड़ नजर आ रहे हैं। इसलिए कि गाड़ी पर जाते समय जिस तरीके से दुविधाएं निर्माण हो रही है और शरीर की जो हड्डियों की परेशानियां हो रही है, इसे देखते हुए कई सामाजिक संगठनों ने और कई पक्ष ने इसके बारे में मोर्चे निकालकर धरना निकालते हुए अन्य आंदोलन कर इस बात को अवगत कराया। लेकिन जिला प्रशासन अब इस ओर ध्यान देकर, जिसमें खास तौर पर यहाँ के आए हुए कर्तव्य दक्ष जिला कलेक्टर गावड़े साहब इस ओर ध्यान दे, ऐसी जनता की मांग होते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और महानगर पालिका प्रशासन को दोनों को बिठाकर परभनी के रास्तों के मरम्मत के लिए जो प्रावधान रखा गया है उसे तुरंत किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। दरमियान स्वराज इंडिया पार्टी के जिला अध्यक्ष ये अमरण अनशन पर बैठकर 3रा दिन हो जाने के बाद इस उप अनशनकर्ता की ओर ध्यान नहीं देने के कारण कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है प्रशासन, इस बात को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। दरमियान इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनाएं क्रोधित होते हुए अनशनकर्ताओं को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। परभणीतील प्रमुख रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या मागणीसाठी आपण मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन 17 सप्टेंबरपासून उपस्थित बसलो आहे। आजचा 14 दिवस आहे। परत कोणी येऊन गेलं का? अधिकृतरित्या असं कोणी येऊन गेलं नाही, शासकीय अधिकारी येऊन गेले पण ते अधिकृत म्हणून आले नव्हते आणि कुठलंही उत्तर आतापर्यंत अद्याप मिळालेलं नाही आणि बहुधा प्रशासन गंभीर नसल्या कारणानं हे होत आहे। सप्टेंबरपासून स्वराज इंडिया पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष गोविंदगिरी उपोषण करत आहे, परंतु नाकरता प्रशासनकडून कोणतीच अशी भूमिका घेण्यात येत नाही, त्यामुळेच त्या उपोषणकर्त्याची आज प्रकृती खालावलेली आहे। म्हणजे ह्या प्रकरणाची शोकांतिकाच म्हणावं की जे पायाभूत मूलभूत सुविधासाठी उपोषण होत आहे आणि या उपोषणाच्या दखल घेण्यासाठी प्रशासन चढदखल करत आहे। महानगरपालिका म्हणती 82 कड, 82 म्हणती महानगरपालिका, त्याच्या जबाबदारी निश्चित करून कारवाई व्हावी हीच मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनकडून अपेक्षा आहे।
वर्षाच्या निमित्तानं, खरं म्हणजे 75 वर्षानंतर देखील आम्हाला मूळ समस्येसाठी जर झगडावं लागत असेल तर याच्यावर दुर्दय आमचं कोणतं नाही आहे. एक कार्यकर्ता फक्त रस्त्यासाठी दिलेल्या नाल्या व्हाव्यात म्हणून ज्या मूलभूत अधिक माझ्या आहेत गरजा, त्याच्यासाठी जर महानगरपालिकेच्या विरोधात उपोषणाला बसावं लागत असेल, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उपोषणाला बसावं लागत असेल आणि त्याची दखल जर घेत नसती, कार्यकर्त्याच्या तब्येत बिघडली किंवा त्याच्या जीवितांना धोका झाला तर सर्वस्वी इथले जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका असतील किंवा BIDC असेल, जे कोणी असेल ते जबाबदार असतील. आणि पुढचा जवाब देण्यासाठी तुम्ही झेंड्यासाठी देखील 25-26-26 मिनिटं इथं अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने ज्या प्रभणींनी झेंडा या मराठवाड्याला दिलेला आहे, सुट्टी मराठवाड्याला दिलेली आहे, आणि तिथं जर झेंडा फडकण्यासाठी उशीर होत असेल तर निश्चितच ह्या महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभाराची चौकशी आम्हाला लावावी लागेल. आणि मग या माध्यमातून तुम्ही ताबडतोब दखल घ्या, नसता परिणामाला सामोरे जा. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. 20 सितंबर 2023 बुधवार के रोज परभणी शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति इलाके में भारतीय जनता पक्ष के परभणी महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, इनकी ओर से आए हुए नए निर्वाचित पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का सत्कार सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस समय भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, संजय शेड़के, हम्मू चाऊस, संजय रिजवानी, संजय कुलकर्णी, विजय गायकवाड़, सुनीता घुगे, विजया कातकड़े, डॉक्टर मंजूषा नरवाड़कर, संजय नरवाड़कर, भालचंद्र गोरे, मोकिंद खिल्लारे, रितेश झांबड़, अब्दुल खालेक, इनके अलावा भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस सत्कार सम्मेलन में मौजूद थे. पदाधिकारी झाले त्यांना मी प्रभारी या नात्याने जिल्हा प्रभारी विधानसभा जिल्हा प्रभारी म्हणून त्यांना मी आमंत्रित केलं. सगळ्यांच्या ओळखी वाचून काही पदाधिकारी आहेत, नवीन नियुक्त काही पदाधिकारी त्यांना सर्वांनाही तुम्ही आमंत्रित केलं, सर्वांचे स्वागत केले, त्यांनी माझे स्वागत केले. त्याबद्दल मला एवढंच म्हणायचं आहे की आता हे निवडणुकीमध्ये भाजप आलेलं आहे, त्यामुळे आता इथून पुढे आपण आता निवडणुकीच्या दृष्टीने कमर कसं विधानसभा असो, लोकसभा असो, महानगरपालिका असो, इथं आम्ही पुरवणार, म्हणजे 100% पुरवणार. भारतीय जनता कडे प्लॅनिंग तर पहिल्यापासून असे, आमच्या बैठका साप्ताहिक असतात, महावारी असतात, आम्ही नेहमी निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. आमच्याकडे बूथरचना तयार आहे, बूथरचावर बूथवर 30-30+1 कार्यकारिणी तयार आहे, आमच्याकडे सगळीकडे तयार आहे. आता विजय वरपूरकर आलेले आहेत, त्यामुळे आम्हाला एक मुस्लिम मतदारसंघामध्ये जाण्याचा एक फार संधी, मोठी संधी आहे. त्यांच्याकडे एक मोठी टीम तयार झालेली आहे, आता निवडणूक घोषणा व्हायची वेळ आहे, बरेच जण प्रवेश करतील भाजपमध्ये. विजय पक्ष ठरेल, आमचं पक्ष जो ठरेल, आम्हाला फक्त कमळ हे डोक्यात आहे, आमच्या फक्त कमळ कसं ठरणार ते विषय. सरकारी ऑफिसों में कामकाज के लिए कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट तरीके से कामगारों की भर्ती करने के शासन आदेश 6 सितंबर 2023 के रोज राज्य शासन ने निकाले हैं. निकाले हुआ GR ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक रहते हुए सरकार ने तुरंत इसे पीछे ले, इसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन परभणी जिला शाखा की ओर से 20 सितंबर 2023 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को निवेदन दिया गया. इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने फेडरेशन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने निकाले हुए GR की होली की है. राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को कामगारों की भर्ती करने के लिए निर्णय दिया है. इसके लिए 9 कंपनियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. यह शासन का निर्णय गैर संवैधानिक रहते हुए इसे तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग विविध स्तरों से हो रही है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लिए जाने के कारण देश के सामने बेरोजगारी का बड़ा प्रश्न निर्माण हो सकता है और यह गंभीर प्रश्न है. देश का जवान युवा वर्ग इस निर्णय के कारण पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है, उसी में संकट में वो घेरा हुआ नजर आ रहा है. इसलिए
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से नौकरी कंत्राटीकरण के ऊपर और खादीकरण के ऊपर तीव्र निषेध दर्शाते हुए यह आदेश रद्द किया जाए ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन पर कांग्रेस प्रसाद गोरे, अनंत कराड़े, संदीप सोलंके, अंजलि खुपकर, सैयद अजहर, शिवाजी काले आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। तो एआईसीसीचे खूब अभिनंदन करतो कि त्यांनी खऱ्या अर्थाने आज ह्या मुद्द्यावरती ह्या जीआरची होळी केली। खरं तर याचा पाया फडणवीस सरकारने 2014 मध्ये त्याला भरला होता आणि हा आज कळस आहे। त्यावेळेस फक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी जीआर आणला होता आणि दोनच कंपन्यांना कंत्राट दिलं होतं, परंतु यांना सरकार स्थापन यासाठीच करायचं होतं। त्यानंतर 2014 आणि 2017 मध्ये जीआर निघाला आणि त्यानंतर डायरेक्ट ज्यावेळेस शिंदे सरकार राज्यामध्ये सरकार स्थापन झालं त्यानंतर एप्रिल 2023 ला आणि त्यानंतर परत आता 6 सप्टेंबर 2023 ला हा जीआर करून जवळपास 9 कंपन्यांना यांनी कंत्राट दिलेला आहे आणि चतुर्थ श्रेणीपासून ते प्रथम श्रेणीपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारीस लावण्याचं काम इथं करण्यात आलेलं आहे। जसं की राज्याला किंवा देशाला या भावी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांचा पगार त्यामध्ये 25,000 रुपये आणि तेच सुद्धाही शिक्षणाची आट न ठेवता क्लिनर म्हणून काम करणाऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याला 27,500 रुपये पगार ठेवले आहे। तर हे कुठेतरी शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं काम आणि या सरकारला फक्त आणि फक्त या समाजाला बहुजनांना या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं काम करायचं आहे असं ह्या पूर्ण जीआर वरून लक्षात येतं। त्यामुळे आम्ही या जीआरचा निषेध करतो। तसेच फडणवीस सरकार असेल किंवा शिंदे सरकार असेल किंवा पवारसाहेब असतील अजित पवारसाहेब यांचा आम्ही निषेध करतो। हमें तो फडणवीस ने लूटा शिंदे में कहा दमता, हमें तो फडणवीस ने लूटा शिंदे में कहा दमता, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां अजित पवार ने कहा कि हमारे पास पैसा कम था। अहो आमच्याकडे एवढा महाराष्ट्र हा प्रगतिशील राष्ट्र आहे, आम्ही प्रगती करत आहोत आणि तुम्ही सांगता आमच्याकडे पैसे नाहीत। जर तुमचं मित्र नावाची एक त्यांनी कंपनी स्थापन केली, जसं केंद्र सरकारचा नीती आयोग आहे तसं मित्र नावाची कंपनी स्थापन केली, त्याचा माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली, एका वर्षाचं फक्त कार्यालयाचं कंत्राट तुम्ही 2.5 कोटी रुपये देता। जर तुमच्याकडे एवढा जर का कंपनीला द्यायला पगार, जर भाडं द्यायला एवढा पैसा आहे आणि तुम्ही म्हणता आमच्याकडे शिक्षकांसाठी पगार नाही, आमच्याकडे तलाठीसाठी पगार नाही, आमच्यासाठी ग्रामसेवकासाठी पगार नाही, म्हणजे ज्या सर्वसामान्य लोकांचे कामं करणाऱ्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत आणि तुमच्या तुंबड्या भरण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत। त्यामुळे आम्ही जाहीर निषेध करतो। मी एआयएसएफचं परत एकदा अभिनंदन करतो व तसेच सर्व परभणीकरांना मी विनंती करतो की उद्या मोठा आक्रोश विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा ठेवला आहे, तर त्या आक्रोश मोर्चाला शनिवार बाजार इथे जमायचे आणि तिथून आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती तो मोर्चा घेऊन येणार आहोत। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना जरूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।